अब तक हम तीन चार कमीशन है वो कर चुके हैं। आज हमारा जो कमीशन है वो है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक फाइनेंस कमीशन का प्रावधान आर्टिकल 280 में 280 में, उसी प्रकार से स्टेट के लिए भी, राज्यों के लिए भी एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है, एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। पर ये प्रावधान है वो 1993 के बाद किया गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम चले जाएं। हमारे जो पंचायती राज संस्थान है या हमारे जो अर्बन लोकल बॉडीज है, नगरी निकाय है, इनको ये स्वतंत्रता के बाद से अस्तित्व में, 1959 में पहली बार पंचायती राज संस्थान का उद्घाटन हुआ नागौर से। उसके बाद तीन बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो हम बाद में चर्चा ही करेंगे जब भी पढ़ना होगा उसको। 3I प्रॉब्लम बोलते हैं, पंचायती राज में भी फंड फंक्शन और फंक्शनलिटीज की प्रॉब्लम थी। तो एक जो मेजर इश्यू था पंचायती राज संस्थाओं के सामने वो था फंड, कि पंचायती राज संस्थाओं के पास धन की व्यवस्था नहीं थी, वित्त की व्यवस्था नहीं थी। इसी समस्या को देखते हुए जब पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेस प्रदान किया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए, इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पंचायती राज जो अधिनियम लागू किया गया, या पंचायती राज को जो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था, उसी के अंतर्गत पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत और नगरीय निकायों के अंतर्गत एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान भी किया गया, आर्टिकल 243I और 243Y। ये दो आर्टिकल हैं, 243I और 243Y। इसमें प्रावधान किया गया, आई है वो पंचायती राज संस्थाओं के लिए था राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन, और वाई है वो था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। तो ये प्रावधान है वो 1994 के बाद में लागू हुआ। तो राजस्थान सरकार है उसने भी, या राजस्थान में भी 1994 में पहले फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, और पहले फाइनेंस कमीशन का जो टर्म था, जो इसका जो कार्यकाल था वो 1995 से 2000 तक था, 1995 से 2000 तक था। पहला जो फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष थे वो के गोयल थे, पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के गोयल थे। उसके बाद अभी तक टोटल 5 फाइनेंस कमीशन है उनका गठन किया जा चुका है। अभी जो लेटेस्ट जो कमीशन था वो 5वां स्टेट फाइनेंस कमीशन था, जो कि श्रीमती ज्योति किरण के डायरेक्शन में गठन किया गया। इसका बाद में एक सदस्य है वो श्री प्रद्युमन सिंह को बनाया गया, तो इसके अध्यक्ष थे वो ज्योति किरण थी। इसका कार्यकाल है वो भी 2015 से 2020 तक है, ये इसका कार्यकाल 5 साल का है। और इसके एक इंटरिम रिपोर्ट भी है, इसका एक अंतरिम प्रतिवेदन है 2016-17 का, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में। इसने एक रिपोर्ट दी थी वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर थोड़ा सा बैकग्राउंड वापस चलते हैं। इसकी स्थापना है वो पहली बार 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद में, हम यहाँ पर अभी स्थापना पर हैं, कि 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243Y में स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया, कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं या फिर अर्बन लोकल बॉडीज है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को किस प्रकार से बेटर किया जाए, किस प्रकार से अच्छा किया जाए, इसको देखते हुए राज्यों के लिए एक राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है वो किया गया। तो राजस्थान में भी ऐसा फाइनेंस कमीशन बनाया गया। पहला फाइनेंस कमीशन मैं आपको पहले बता चुका, पहला फाइनेंस कमीशन अप्रैल 1994 में बनाया गया था, और इसका जो कार्यकाल था वो 1995 से 2000 तक था। पहला जो फाइनेंस कमीशन था इसके अध्यक्ष वो के गोयल थे। उसके बाद में बहुत सारे अध्यक्ष बन बहुत सारे फाइनेंस कमीशन बनाए गए, कि उसके बाद में एक फाइनेंस कमीशन है वो हीरालाल देवपुरा के नेतृत्व में बना। ऐसे करके टोटल अब तक टोटल 5 फाइनेंस कमीशन है वो बन चुके हैं। चूंकि हमारे ये टॉपिक है वो मेंस के अंदर है, मेंस एग्जामिनेशन में आएगा, इसलिए हमारे लिए ये ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल केवल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्टेट फाइनेंस फाइनेंस कमीशन के कार्य, इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो अभी हम वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में 5वां फाइनेंस कमीशन वो काम कर रहा है। इसका कार्यकाल 2015 से और 2020 तक है, 2015 से 2020 तक इसका कार्यकाल है।
इसमें अध्यक्ष और सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें चार सदस्यों का प्रावधान है कि इसमें अच्छा ये चार सदस्य हो मैक्सिमम हो सकते हैं, या सदस्य हो मैक्सिमम चार होंगे, अधिकतम सदस्यों की संख्या चार होगी। इसका मतलब राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को मेंबर बना सकती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट है वो चार होगी। तो हमने मैंने आपको भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 2015 में जो पांचवा जो वित्त आयोग गठन किया गया उसमें केवल एक ही सदस्य का प्रावधान किया गया और श्री प्रद्युम्न सिंह को इसका मेंबर बनाया गया। तो ये दो टॉपिक अभी तक, ये दो बिंदु हम कवर कर चुके हैं। तीसरा इसका जो मेन जो बिंदु है ये है इसके कार्य। ये एक छोटा सा वीडियो है और ये टॉपिक भी छोटा है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें केवल और केवल हमारे जो काम की चीज़ है वो है इसके कार्य कि स्टेट फाइनेंस कमीशन वो कौन कौन से कार्य करता है, ये हमारे लिए काम की बात है। तो अब हम देख लेते हैं इसके कार्य कौन कौन से, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन वो कौन कौन से कार्य करता है। इसके हम कार्य डिस्कस कर लेते हैं, इसके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पहला जो मेजर जो इसका फंक्शन है, पहला जो इसका मुख्य कार्य है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू आता है, राज्य सरकार चाहे कोई भी टैक्स हो, कोई लेवी हो, किसी प्रकार को ड्यूटी हो या कोई टोल हो, उससे जो भी कलेक्शन हो रहा है, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, उस रेवेन्यू कलेक्शन में से पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों को कितना भाग दिया जाए, ये इसका पहला कार्य है कि राज्य सरकार को, राज्य सरकार है वो जो भी राजस्व संग्रहण कर रही है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन चाहे वो किसी शुल्क से हो, किसी चुंगी से हो रहा हो, किसी लेवी से हो, किसी ड्यूटी से आ रहा हो राज्य सरकार के पास, कोई टैक्स से आ रहा हो, ये इनमें से कोई भी चीज रेवेन्यू कलेक्शन के अंतर्गत आ रही है, उसमें से, उस रेवेन्यू कलेक्शन में से इन पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों का कितना हिस्सा होगा ये डिसाइड करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये इसका पहला कार्य, मैं आपको वापस बता रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू कलेक्शन कर रही है, चाहे वो किसी टैक्स से कर रही हो, किसी ड्यूटी से कर रही हो, किसी टोल से कर रही हो, किसी लेवी से कर रही हो, ये सभी, ये जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, इस रेवेन्यू में से पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और अर्बन लोकल बॉडीज को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंड करता है, ये सिफारिश करता है फाइनेंस कमीशन। ये इसका पहला कार्य है। दूसरा ऐसा कार्य है कि जो नगरीय निकाय है चाहे अर्बन लोकल बॉडी जो, चाहे पीआरआई इंस्टीट्यूशन हो, इनके द्वारा कौन कौन से टैक्स कलेक्ट किए जाने चाहिए, कौन कौन से कर कलेक्ट किए जाने चाहिए, कौन कौन से इनके द्वारा चुंगी ली जानी चाहिए, कौन कौन से लेवी ली जानी चाहिए, कौन कौन से इनके द्वारा टोल लिया जाना चाहिए, कौन कौन से इनके द्वारा शुल्क लिए जाने चाहिए, कौन कौन से इनके द्वारा ड्यूटी ली जानी चाहिए। मैं वापस बता रहा हूँ, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन से लेवी, कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से ड्यूटीज या कौन कौन से टोल हैं जो इनके द्वारा कलेक्ट किए जाने चाहिए, जो इनके द्वारा संग्रहण किए जाने चाहिए, जो इनके द्वारा लिए जाने चाहिए, ये भी निर्धारित करता है, ये भी डिसाइड करता है या ये भी रिकमेंड करता है, इसकी भी सिफारिश करता है। कौन करता है? ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसका दूसरा कार्य, पहले कार्य में रेवेन्यू कलेक्शन में से हिस्सा दिला रहा है किसको? पंचायत राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को। दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि स्टेट में कोई भी ड्यूटी हो, कोई भी टोल हो, कोई भी लेवी हो, कोई भी टैक्स हो, कौन कौन से टैक्स का, कौन कौन से लेवीज का, कौन कौन से ड्यूटीज का कलेक्शन है वो अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा किया जाना चाहिए, इसकी भी सिफारिश, इसकी भी रिकमेंडेशन इस स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है। तीसरा इसका मुख्य कार्य है कि राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड है, कि राज्य की जो संचित निधि है, उस संचित निधि से इन अर्बन लोकल बॉडीज को या
इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कितना अनुदान दिया जाए या कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, ये भी निर्धारण या इसकी भी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, इसकी भी सिफारिश कौन करेगा, इसकी भी सिफारिश स्टेट फाइनेंस कमीशन ही करता है। इसका तीसरा मुख्य कार्य हो गया, क्या कार्य हो गया इसका तीसरा मुख्य कार्य, ये राज्य की जो स्टेट की जो कंसोलिडेटेड फंड है उस राज्य की संचित निधि से जो ये अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनको कितना ग्रांट दिया जाए, इनको कितना अनुदान दिया जाए ताकि इनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो, ताकि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन हो बेटर हो, ये भी निर्धारण या इसकी भी सिफारिश इसकी भी रिकमेंडेशन है वो इसी स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाती है। उसके बाद में इसका अगला जो मुख्य कार्य है वो है राज्य की व पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना, कि ये समय समय पर रिव्यू करेगा। किसका रिव्यू करेगा, इसका मुख्य कार्य है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इसका ये समय समय पर रिव्यू करता है। कौन करता है रिव्यू, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसका अगला कार्य यही है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनकी वर्तमान में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इनकी वित्तीय स्थिति कैसी है, इसका समय समय पर रिव्यू करना, इसकी समय समय पर समीक्षा करना, इसका समय समय पर इवेल्युएशन करना, समय समय पर मूल्यांकन करना, ये भी कार्य स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो इसका अगला कार्य है कि ये एज ए मीडिएटर भी काम करता है, एक मध्यस्थ के रूप में भी काम करता है। किन मुद्दों पर, ये सेंट्रल स्टेट के मध्य, केंद्र व राज्य के मध्य, सेंटर व स्टेट के मध्य कोई भी अगर कोई फाइनेंशियल इश्यू है, कोई भी इकोनॉमिक इश्यू है, कोई भी आर्थिक मुद्दा है, वित्तीय मुद्दा है, इस पर भी ये किसके रूप में काम करता है, एक मध्यस्थ के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। तो मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये इसके मुख्य कार्य और हमारे लिए मेंस एग्जाम के लिए केवल ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके कौन कौन से कार्य हैं। ये से कार्य है, सबसे पहले ऐसा कार्य क्या है कि ये जो भी स्टेट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उस रेवेन्यू कलेक्शन में से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज का कितना हिस्सा होगा सबसे पहले निर्धारित करेगा। दूसरा ऐसा कार्य है कि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन सी ड्यूटीज, कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से लेवीज है, कौन कौन से टोल है जिनका कलेक्शन किया जाना चाहिए, इसकी भी रिकमेंडेशन कौन करेगा, इसकी भी रिकमेंडेशन फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन करेगा। तीसरा इसका मुख्य कार्य है कि कंसोलिडेटेड जो फंड है स्टेट का, राज्य की जो संचित निधि है उस संचित निधि में से इन पंचायती राज संस्थाओं को, इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कितना ग्रांट दिया जाना चाहिए, कितना अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और बेटर हो, ये भी रिकमेंडेशन, ये भी सिफारिश है वो इसी स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाएगी। अगला जो इसका कार्य है वो ये है कि ये समय समय पर रिव्यू करेगा, समय समय पर इवेल्युएशन करेगा, समय समय पर समीक्षा मूल्यांकन कार्य करेगा कि किस प्रकार से हम इन पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को और बेटर किस प्रकार से बना सकते हैं, ये भी रिकमेंडेशन है, ये भी सिफारिश है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा की जाएगी। और इसका जो लास्ट जो कार्य है वो ये है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यू होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यू होते हैं किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में किसी प्रकार के जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है, फाइनेंशियल इश्यूज है, उनमें भी ये एज ए मीडिएटर काम करता है कई बार। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के कार्य। अभी जो लेटेस्ट जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो वर्तमान में भी 5वां वित्तायोग कार्य कर रहा है, इसका कार्यकाल 2015 से 2020 तक है। इसके अध्यक्ष हैं वो श्रीमती ज्योति किरण है और इसके जो सदस्य हैं वो श्रीमान प्रद्युमन सिंह है। इन्होंने हमारे जो आगे काम की रिपोर्ट है वो ये कि 2016-17 में, 2016-17 में इन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट दी थी, इन्होंने एक अंतरिम प्रतिवेदन दिया था कि स्टेट को या स्टेट गवर्नमेंट को कितना हिस्सा, कितना पोर्शन अपने रेवेन्यू में से स्टेट को किया जाना चाहिए, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। तो इनकी रिकमेंडेशन ये थी, इनकी जो सिफारिश थी, ये सिफारिश हम देख रहे हैं किसकी, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की है, 5वें वित्त आयोग की है। 5वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू कलेक्शन में से 7.18%
हिस्सा है वो इन पंचायती राज संस्थाओं को ट्रांसफर करना चाहिए। पहली इसकी रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन थी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो भी हो रहा है, ये स्टेट का जो बजट है उसका 7.182% है वो दिया जाना चाहिए किनको, इन पंचायत इंस्टीट्यूशन को दिया जाना चाहिए। उसमें से इस 7.18% का 75.1% दिया जाना चाहिए पंचायत राज संस्थाओं को और 24.9% दिया जाना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज को। ये इसकी मेजर रिकमेंडेशन थी, ये इसकी मुख्य सिफारिश थी जो हमारे काम की। इसके अलावा बहुत सारी सिफारिश थी जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हमारे लिए काम का यही है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, हम आपको वापस एक बार रिवाइज करवाते हैं, हमने क्या क्या देखा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान, इसका प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 आई और वाई में किया गया, आर्टिकल 243 आई और वाई में प्रावधान किया गया। किसका, राज्य वित्त का प्रावधान किया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया। पहला फाइनेंस कमीशन अब राजस्थान में 1995 से लागू, 1995 से 2000 तक लागू हुआ। पहला टर्म था, पहले वित्त आयोग का कार्यकाल था वो 1995 से 2000 तक था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के गोयल हुआ करते थे। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा है, माणिक चंद सुराणा, ये बहुत सारे लोग थे जिनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि जो अभी जो लेटेस्ट जो फाइनेंस कमीशन है वो पांचवा वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष है श्रीमती ज्योति किरण है। इसमें एक अध्यक्ष और चार अधिकतम सदस्यों का प्रावधान है। इसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो चार हो सकते हैं, अभी वर्तमान में एक अध्यक्ष और एक सदस्य हुआ करते थे। इनकी ये रिकमेंडेशन है, इनकी फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की मेजर रिकमेंडेशन थी। ये दो रिकमेंडेशन ये आप देख लेना, ये इसके मुख्य कार्य। हमारे लिए केवल आज केवल इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें केवल यही है। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011 का, इसको 14 नवंबर 2011 में लागू किया गया था, लोक सेवा गारंटी कानून, कि सरकार जो भी सर्विस डिलीवर कर रही है वो एक तय सीमा में हो, उस तय सीमा के अंदर ही जो सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको उस सेवा का वितरण करना चाहिए, उस सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इतना ही काफ़ी है और आप घर पर रहें, कोरोना है वो अभी भी, कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी क्योंकि हम प्रबुद्ध जन हैं, हम समझदार लोग हैं, तो हमारी राज्य के प्रति और देश के प्रति ये जिम्मेदारी है कि हम घर पर रहें, हम भी सुरक्षित रहें और हमारे घर वालों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।